हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 82 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सर एलिगेशन पे बेस्ड बहुत ही अच्छा सवाल है। चलते हैं आज के सवाल की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट भी चलता है BSC एकेडमी पटना में। जो लोग पटना से हैं, राजेंद्र नगर ब्रांच और बोरिंग रोड ब्रांच दोनों जगह ये अवेलेबल है, दोनों जगह आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सवाल हमारा क्या है, बोल रखा है सवाल में कि मिक्सचर ए कंटेन सॉल्ट शुगर एंड वाटर इन द रेशियो 2:3:5। मिक्सचर ए में क्या क्या है? सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है, ठीक है, किस रेशियो में? 2:3:5। अगर मैं वेरिएबल लगा दूं तो यहाँ पे ये एक्स एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स। तो यानी इस मिक्सचर की जो वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2x, 3x और 5x, यानी कि 10x। यानी ए का मान कितना है, एक मिक्सचर ए में क्या है, टोटल 10x क्वांटिटी है, ठीक है। फिर उसी तरीके से मैंने क्या बोला, एंड बी में क्या है, सॉल्ट शुगर और वाटर का रेशियो, सॉल्ट शुगर एंड वाटर, ठीक है, का रेशियो है 1, 2 और 5। जरूरी नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे मैंने वाई ले लिया, वाई वाई एंड वाई। फिर उसी तरीके से बी की टोटल क्वांटिटी निकालूंगा, 5, 2 और 1 कितना, 3, यानी कि 8y, ठीक है। फिर और आगे दे रखा है मिक्सचर सी कंटेंट, सी में हमारा क्या दे रखा है, सॉल्ट शुगर वाटर, ठीक है। सॉल्ट शुगर वाटर का रेशियो क्या है, 1:2:3। फिर वही चीज़, यहाँ पे जरूरी नहीं है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में हुआ, तो यहाँ पे मैंने जेड लगा दिया, यहाँ पे भी जेड लगा दिया, यहाँ पे भी जेड लगा दिया, ठीक है। 1z, 2z यानी 3z और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6z, यानी इसकी वजन कितनी हो गई, 6z, ठीक है। बोल रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट द थ्री मिक्सचर बी मिक्सड, किस रेशियो में इसे मिला जाए। तो इसे मिलाने का मतलब क्या है, यहाँ से ए से मैं पूरा पूरी 10x वजन उठाऊंगा, यहाँ से मैं कितना उठाऊंगा, 8y उठाऊंगा, यहाँ से मैं कितना उठाऊंगा, 6z उठाऊंगा, ठीक है। मिक्स करूंगा इसे किस रेशियो में, यानी कि मिक्स मैं किस रेशियो में करूंगा, 10x:8y:6z में, ठीक है। किस रेशियो में मिक्स करूंगा, कि मिक्सचर में सॉल्ट शुगर और वाटर का रेशियो कितना है, 7:12:21। सॉल्ट शुगर रेशियो मतलब क्या, पहला से सॉल्ट, दूसरा से सॉल्ट, तीसरा से सॉल्ट, फिर यहाँ से शुगर का, यहाँ से, फिर यहाँ से भी शुगर, फिर यहाँ से भी शुगर, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ से वाटर, पहला से वाटर, दूसरा से वाटर और तीसरा से वाटर, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, 7:12:21। तो मुझे सवाल में पूछा क्या था, इन व्हाट रेशियो मस्ट द थ्री मिक्सचर बी मिक्स्ड, तीनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। तो तीनों को जब मैं मिलाऊंगा तो तीनों को मैं इसी रेशियो में मिलाऊंगा ना, 10x, 8y और 6z। यहाँ से मैं 10x किलोग्राम उठाऊंगा, यहाँ से 8y उठाऊंगा, यहाँ से 6z उठाऊंगा, तो इसी का मुझे वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, मुझे x, y और z में एक रिलेशन निकालना होगा, जो मुझे कैसे निकलेगा, यहाँ पे मुझे दिए हुए है कि शुगर का, सॉल्ट का वैल्यू, ठीक है, शुगर का वैल्यू और वाटर का वैल्यू 7:12:21 है, तो सॉल्ट मिला ये सब जगह, 2x प्लस में y, यहाँ से 2x लिए, यहाँ से y लिए, और यहाँ से सॉल्ट कितना है, z, यानी कि z कर दिए, फिर रेशियो, ठीक है, यहाँ से ये हो गया, फिर रेशियो, यहाँ पे शुगर हमारा कितना है, 3x है, यहाँ से शुगर कितना है, 2y है, और फिर यहाँ से शुगर कितना है हमारा, 2z है, यहाँ से ले लिया मैंने 2z, ठीक है। फिर जब मैंने 2z ले लिया तो इक्वल टू रेशियो फिर हमारा क्या दिए हुआ यहाँ पे, वाटर 5x, 5y एंड 3z, 5x, 5y एंड 3z, इसी का रेशियो हमें दिए हुए है 7:12:21, ठीक है। एक्स वाई जेड के टर्म में है, 3 रेशियो भी मुझे मालूम है, किसी दो को हम लोग उठाना शुरू करेंगे। देखो अब किसी भी दो को उठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे हमको आसान ढूंढना होता है, आसान क्या ढूंढना होता है, जैसे 7 और 21 में एक रिलेशन है कि आसानी से कट जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसी को उठाएंगे। यहाँ पे देखो जब मैं उठाऊंगा तो यहाँ से क्या होगा, 2x+y+z बटा में 5x+y+3z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/21, 7 से कट गया 3 बार में। इसी को जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारा क्या देगा, यहाँ से 3 से इधर, यानी 3×2=6x+3y+3z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5x+y+3z, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है। अब यहाँ से 3z तो खत्म हो गया, 6x में से 5x चला जाएगा, कितना बचेगा x, 5y में 3y चला जाएगा, यानी कितना बचेगा, 2y, यानी x/y निकल गया क्या हमारा, 2:1। मैंने x के लिए बोल दिया ये 2a है और y के लिए मैंने क्या बोल दिया, इसे a है, यानी x और y में मुझे रिलेशन निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, z के साथ रिलेशन निकालना है।
फिर आप किसी दो को लो, लेकिन जिस दो को आप ले चुके हो उस दो को नहीं लेना है। हमने किसको इसको ले लिया, इनको और इसको ले लिया, तो अब या तो हम इसको इसको ले लें या इसको इसको ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लूँगा, मतलब सॉल्ट एंड शुगर को लूँगा, तो 7:12 आएगा जो कि एकदम नहीं कटने वाला है। तो यहाँ से फिर मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्यों ना मैं किसी को भी ले सकता हूँ, तो जब लेना ही है 12 और 21 थोड़ा बहुत तो कटेंगे ही, तो मैं इसी को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, 3x प्लस में 2y प्लस में 2z, ठीक है, फिर बटा में क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस में 5y प्लस में 3z, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 12 बटा में 21। तीन से जब मैं काटूंगा तो 4 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, ठीक है। 7 × 3 करेंगे 21x प्लस में 14y प्लस में 14z, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5×4=20x प्लस में 20y और प्लस में हमारा 4×3=12z, ठीक है। अब इसी को सबको एक तरफ करना है, ठीक है, क्यों एक तरफ करना है, किसको किसको एक तरफ करना है, जेड वाले टर्म को हमको एक तरफ करना है, बाकी एक्स और वाई को एक तरफ, क्योंकि एक्स और वाई की तो वैल्यू यहाँ पे मुझे इन रिलेटेड विद ए मालूम है, एक कॉमन वैल्यू, तो यहाँ से हम जेड को अलग करते हैं, 14z में 12z चला जाएगा, कितना बचेगा 2z, ठीक है, इज इक्वल टू 20y में जब 14y उधर जाएगा तो क्या घट के देगा हमारा 6y, ठीक है, 20x है और 21x उधर जाएगा, यानी कि घट के क्या देगा x, यानी कि y की वैल्यू अगर हम a रख दें, यानी कि 6a माइनस में x की वैल्यू हम रख दें 2a, ये 2z के बराबर हो जाएगा, 2z बराबर कितना हो जाएगा 4a, 2 से काट देंगे इसे 2 बार में, यानी z की वैल्यू कितनी हो गई 2a हो गई, z की वैल्यू कितनी हो गई 2a, z की वैल्यू जब 2a निकल गई तो देखो आप यहाँ से x की वैल्यू भी 2a निकल गई है हमारी, y की वैल्यू भी 2a निकल गई है और z की वैल्यू भी 2a निकल गई, सॉरी y की वैल्यू a निकल गई है, तो मैं एक्स वाई जेड का एक रिलेशन निकल गया है a के रिस्पेक्ट में। मैंने क्या बोला था आपको कि किस रेशियो में आपको वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है 10x 8y और 6z की, बस यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू जब पुट करेंगे तो 10 × x का कितना है 2a, रेशियो 8 × y का कितना है a, फिर 6:6z का कितना है 2a। अब यहाँ से देखो a a a खत्म हो गया हमारा, 2 से काटते हैं, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में, और भी कटेगा कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा 2 बार में और यहाँ से ये 2 खत्म, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 5:2:3 और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 5:2:3 और कुछ नहीं। मेनली यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपको मिक्स करने के लिए बोल रहा है, मिक्स करने का मतलब क्या है, यही ना कि इसकी जितनी जितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उतनी उतनी क्वांटिटी की रेशियो निकालनी है। अब यही रिलेशन यहाँ से आपको ये सॉल्व करके निकालना था, ये एक्स वाई जेड सॉल्ट शुगर और वाटर का, ठीक है, होप आप लोगों को ये सारा चीज़ क्लियर होगा, और जो भी डाउट्स है आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी इनेबल्ड रहेगा इसका, आप पूछ सकते हैं इसमें कमेंट करके।